हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हुनर हाथों का। मैं देखिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए बबल्स वाला डिज़ाइन लाई हूँ। ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। देखिए, इसे मैंने मल्टी कलर में बनाया है। आप चाहे तो इसको एक कलर या जैसा भी आप चाहें बना सकते हैं। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसको बनाने के लिए आप 4 के मल्टीपल में फंदे डाल लीजिए +3। तो ये मैं 15 फंदे पे आपको बना के दिखा रही हूँ। इसको बनाने के लिए हम फर्स्ट रो लेंगे, पहले पूरी सीधी बुन लेंगे। फर्स्ट रो पूरी सीधी सीधी हमें बुन के तैयार करनी है। ये फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो उल्टी उल्टी बुन लेनी है। पूरा सेकंड रो में सभी फंदे को हम उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। सभी फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं इसमें। अभी थर्ड रो हम फिर से सीधी बुन लेंगे। इसी तरीके से हमें अपनी फोर्थ और फिफ्थ रो, एक सीधी एक सिलाई पूरी सीधी और एक सिलाई पूरी उल्टी करके हमें 5 रो में कंप्लीट करनी है। तो देखिए, मैंने अपने 5 सिलाई बुन के तैयार कर ली है। एक सिलाई सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी उल्टी, ऐसे करके मैंने अपनी 5 सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब जो हमारी 6 रो है, इसके लिए हम यहाँ से सेकेंडरी कलर ऐड करेंगे। यही हमारा डिज़ाइन का मेन डिज़ाइन है हमारा। बाकी सिलाइयाँ तो हम सीधी उल्टी ही बुन रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको दूसरे कलर से 1, 2 और ये अपना 3, तीन फंदे हम इसके बुन लिए। अब देखिएगा क्या करना है। ये जो चौथा फंदा है, इसको हम उतार देंगे सिलाई से और इसे खोलेंगे। 1, 2, 3 और ये 4। ये ऊपर से हमने 4 धागे तक इसको खोल लिया। 4 रो के जो सिलाई थी वो हमने खोल लिया। और अब ये जो फंदा हमारा था, इसको हम ये 4 धागों के बीच में से डालेंगे और इसे बुन लेंगे इस तरीके से। यही हमारा डिज़ाइन है। इसी को हमें बार बार रिपीट करना है। अब फिर हम यहाँ से 3 धागे उठा लेंगे, 2, 3, तीन धागे जो है हम सीधा सीधा बुन लिए। फिर अब ये चौथा धागा जो है इसको छोड़ देंगे, चौथा फंदा। अब इसमें से हम 4 धागे लेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। अब ये जो हमारा फंदा है, इसको हम ये 4 धागों के बीच में लेके इसको बुन लेंगे ऐसे। फिर अगले 3 धागे हम बुने, और धागे को हमें टाइट रखना है, धागा लूज नहीं रखना। 3 धागे हो गए। फिर जो चौथा धागा फंदा है हमारा, फिर हम इसको छोड़ देंगे, सिलाई से नीचे उतारेंगे और ये 4 धागे निकाल लेंगे, 3 और ये 4। अब ये बीच वाले फंदे में से डाल के ये 4 धागों को बुन लेंगे। सब सिलाई हमें लूज बुननी है, मगर ये वाली सिलाई बहुत टाइट बुननी है हमें। बाकी के जो बचे हुए 3 फंदे हैं, उसको सीधा बुन के हम उतार लेंगे देखिए इस तरीके से। अब उल्टी सिलाई में हमें फिर से उल्टा बुन लेना है। अगली 5 सिलाइयाँ हमारी फिर से इसी तरीके से बनेगी। ये वाली सिलाई मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। डिज़ाइन बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। इसको बिगनर्स भी बना सकते हैं आराम से, जिसे सिर्फ सीधा उल्टा बुनना आता है, वो भी बहुत आराम से ये डिज़ाइन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ये पूरी रो जो है हम उल्टा उल्टा इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गई, देखिए बस यही हमारा डिज़ाइन है। अब इसी को हम ग्रीन धागे से हम फिर
पांच सिलाई कंप्लीट कर लेंगे सीधा उल्टे की। देखिए तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी फिर से फिफ्थ रो जो हमने कंप्लीट कर ली है। अब अपने सिक्स रो पे आ गए हैं। यहाँ पे फिर हम अपना फर्स्ट वाला जो कलर है उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने तीन फंदे लेके अपना डिज़ाइन डालना शुरू किया था। अब यहाँ पे हम पहला फंदा उतारेंगे और दूसरा फंदा हम छोड़ देंगे। इसमें से चार फंदे उठाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4। चार फंदे हम निकाल दिए और जो फंदा है इसको हम ये चारों धागे लेके बुन लेंगे। इससे हम पूरी तरीके से टाइट बुनेंगे। इसे हमें पूरा टाइट रख के बुनना है। फिर अगले तीन धागे हम बुन लेंगे, 1, 2, 3। फिर वही करना है, धागा छोड़ेंगे और फिर ये 1, 2, 3 और ये 4। 4 धागे हम जो हैं इसके निकाल लेंगे और फिर ये फंदे को हम ये चारों धागों के बीच में से लेके बुन देंगे इस तरीके से। धागे को पूरा इसको पकड़ के रखिएगा, ये टाइट रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट 3 फंदे हम बुन लेंगे। फिर एक धागा छोड़ेंगे और फिर उसी तरीके से 1, 2, 3 और ये 4। 4 धागे निकाले और फिर ये फंदे को जो है ये चारों धागों के बीच में से लेके बुन लेंगे इस तरीके से। फिर अगले जो धागे हैं, 3 फंदे हम फिर बुन लेंगे, 1, 2, 3 और ये 2 धागे भी हम बुन के फंदे जो हैं बुन के उतार लेंगे। देखिए ये इस तरीके से हमारा बनेगा। अब नेक्स्ट रो से हमें फिर वही करना है, सीधे सीधे हमें इसी लाइन से 5 फंदे निकाल लेने और यही डिज़ाइन हमें हर उसमें रिपीट करते जाना है और इस तरीके से ही हमारे बबल बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए इसमें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।